हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शख्स मोहम्मद और आप देख रहे हैं एस टेक वर्ल्ड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इन्फिनिक्स नोट 8। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपको कैसी गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको कैसा जो इधर ही आपको फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको मैं फुल सजेशन दूंगा इस वीडियो को एंड में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जब तक गेम स्टार्ट होता है हम आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताते चलें। तो यहाँ पर आपको जो है हीलियो G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। IPS LCD पैनल है। यहाँ पर आपको कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 60Hz का पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी रिफ्रेश रेट, हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपका जो है साउंड क्वालिटी भी जो है आपको इसमें अच्छी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपका जो है एक अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर इसके रैम और रोम की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर इसके बैटरी और चार्जर की बात करें तो यहाँ पर आपको 5200mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और एक 18W का फास्ट चार्जर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इसके जो है अदर फीचर्स की बात करें, जो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको ये फ़ोन कह सकता हूँ कि आप लें। यहाँ पर आपको जो है 2 से 3 आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले साइज़ बहुत ही बड़ी देखने को मिलती है, 6.95 इंचेस की, नियरली 7 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है। एक तो ये हो गया और दूसरा यहाँ पर ये कि आपको स्टूडियो स्पीकर्स के सपोर्ट देखने को मिलता है, और तीसरा आपको यहाँ पर जो है 5200mAh की जो है बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, और उसके साथ आपको जो है फास्ट चार्जर सपोर्ट देखने को मिलता है। ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस रेंज में नहीं मिलती, जैसे स्टूडियो स्पीकर्स और इतनी बड़ी डिस्प्ले। डिस्प्ले बड़ी होने की वजह से आपको यहाँ पर जो है गेमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छी देखने को मिलती है। चलते हैं इसके ग्राफिक्स की तरफ। यहाँ पर आपको स्मूथ पर अल्ट्रा देखने को मिलता है और बैलेंस पर भी आपको अल्ट्रा सेटिंग्स देखने को मिलता है, और HD पर आपको यहाँ पर हाई देखने को मिलता है। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर आपको एक जी सीरीज़ का प्रोसेसर मिलता है, मीडियाटेक G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस तो अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगर मैं अपनी ओपिनियंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको गेम में आप देख सकते हैं आपको लैग देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैं आपको ये फ़ोन सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करते हैं, अगर आप मीडियम गेमिंग करते हैं तो भी आप ये फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कैमरा वगैरह और अदर फीचर्स आप भी आपको यहाँ पर अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है हमारा नेट बहुत ही स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी लैंडिंग अच्छी नहीं हो पा रही। अगर इसके स्पीकर की आवाज़ आपको सुनाते चलें तो ये आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कितनी अच्छी जो है आपको स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो हल्की फुल्की जो लोडिंग आपको देखने को मिल रही है, वो फ़ोन की वजह से नहीं है, वो हमारे वाईफाई के स्पीड की वजह से है। ये बहुत ही आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।